हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम, वो चैप्टर है सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसके सबसे पहले हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुड नाइट चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले स्नेक्स देयर प्रे। तो स्नेक्स क्या करते हैं? स्वेलो। क्या करते हैं? स्वेलो मीन्स निगलना, एक तरीके से स्वेलो। कैसे लिखेंगे? स्वे SWALLOW, स्वेलो। ठीक है, स्वेलो देयर प्रे, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? जिराफ फीड्स ऑन। जो जिराफ है वो फीड्स ऑन क्या खाते हैं? वो सिर्फ प्लांट खाते हैं। क्या खाते हैं वो? प्लांट। ठीक है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा बेटा? प्लांट। तो हम इस पे कलर कोई दूसरा ले लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? प्लांट, समझ में आ गया। थर्ड, फ्रॉग हैज अ टंग। तो किस तरीके की टंग होती है बेटा उनकी, फ्रॉग की? तो उनकी होती है आपकी स्टिकी। कैसी टंग होती है उनकी? STICKY। तो स्टिकी उनकी टंग होती है जो फ्रॉग होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बफलो। तो क्या है? बफलो देयर फूड फर्स्ट एंड देन च्यू इट। तो बफलो क्या करती है? सबसे पहले निब्बल। सबसे पहले क्या करती है वो? NIBBLE। ठीक है, निब्बल देयर फूड फर्स्ट एंड देन च्यू इट। क्या होते हैं कि जो आपके बफलो वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं, जो गोले से बना बना के पहले ये अंदर पहले निगल लेते हैं सभी को। ठीक है, उसके बाद में फिर इनको चबा के खाते हैं। जब ये आराम से बैठे होते हैं ना एक तरफ, जब इनको रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी आपने देखा होगा कि जो बफलो होती हैं ये अपने मुंह को चलाती रहती हैं, तो उस वक्त झाग से निकलते रहते हैं मुंह से। तो क्या है वो क्या है कि अपने खाने को, जो उन्होंने जो इतना सारा जो निगल लिया था खाना इकट्ठा, फिर उसको आराम से बैठ के वो करते रहते हैं, चबाते रहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अच्छा, बटरफ्लाई इट्स फूड। तो ये बटरफ्लाई क्या करती है? शक मतलब चूसना। ठीक है, सक इट्स फूड, क्लियर हो गया। स्क्वेरल हैज शार्प फ्रंट। तो क्या? चीजल। क्या होते हैं? चीजल, वो जो आगे वाले जो टीथ होते हैं ना, जस्ट उनकी तरह होते हैं, तो उनको चीजल बोलते हैं। ठीक है, CHISEL। ठीक है, चीजल। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसमें मैं आपका इसमें भी करा देती हूँ, इसमें दे रखा है सबसे पहले क्या दे रखा है? स्वेलो। दूसरे का प्लांट्स। ठीक है, तीसरे का क्या है आपका? स्टिकी। ओके, फिर निब्बल, और फिर शक, और फिर चीजल। तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। सब फिर उसके बाद में क्या है? मैच द फॉलोइंग, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैच द स्नेक। स्नेक का क्या बनेगा आपका? फ्रॉग। जो स्नेक होता है वो फ्रॉग को खा जाता है। ठीक है, एक चैन सिस्टम चलता है कि कौन किसको खाता है, तो जो स्नेक होता है फ्रॉग को खा जाता है। ठीक है, मंकी। मंकी क्या करता है? मंकी बनाना खाता है। आपने देखा होगा कि जो मंकी होते हैं मैक्सिमम बनाना खाते रहते हैं। ठीक है, लायन। लायन क्या है? लायन डियर के पीछे भागता है, रहता है। क्या रहता है? लायन। लायन शुगर कैन तो खाएगा नहीं। ठीक है, तो लायन क्या खाता है? डियर। ये जो मतलब ये जो हिरण वगैरह हैं, इनका शिकार करते हैं ये। और एलिफेंट क्या? शुगर कैन। ठीक है, वो जो गन्ने रहते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई ट्रैक्टर वगैरह जा रहे होते हैं तो उसमें गन्ने लगे रहते हैं, कहीं से अगर एलिफेंट आ जाता है तो वहीं से ही खींचने शुरू कर देते हैं वो। तो इस तरीके से ये काफ़ी गन्ने के काफ़ी शौकीन होते हैं, गन्ना बहुत खाते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। टेक द करेक्ट ऑप्शन, तो सबसे पहले हम करें द एनिमल्स। एक सेकेंड, द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज। तो कौन सा है जो कि वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं? तो क्या है वो? रैट। क्या है वो? रैट। जो चूहे होते हैं वो दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खा जाते हैं और आपका एनिमल्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे भी आपको दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्या है? डॉग टीयर्स द फ्लैश विद, क्या? पॉइंटेड टीथ। ठीक है, जो वो जो मांस को जो खाते हैं, टीयर करते हैं उसको, फाड़ते हैं, तो कौन से टीथ से करते हैं? वो पॉइंटेड टीथ, बिल्कुल पैने होते हैं वो। ठीक है, तो पॉइंटेड टीथ से वो क्या करते हैं? उनको टीयर करते हैं, और जो आपका जो मांस के टुकड़े होते हैं, फ्लैश जो होता है, फ्लैश। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या है? पोल्ट्री। क्या है? पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी फेड विद ग्रेन। जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनको हमें फेड करना चाहिए किससे? ग्रेन से, अनाज वगैरह से। तो जैसे ग्रेन, जैसे कि आपके ये होते हैं ना, ये हैन वगैरह जो होते हैं, है ना, जो इनको क्या खिलाना चाहिए? को अनाज वगैरह। ठीक है, आगे।
इसके बाद में इट इज हर्बीवोरस एनिमल, तो कौन है वो हर्बीवोरस जो सिर्फ हरी घास वगैरह खाती है, जो वेजिटेरियन होते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो कि नॉन वेज टाइप में है, वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वेजिटेरियन का मतलब है जो सिर्फ घास वगैरह पेड़ पौधे प्लांट्स खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस होते हैं। तो क्या है, काऊ, क्या है आपका आंसर में क्या जाएगा, काऊ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो क्या, व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल, तो कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। जो फ्लस जो फ्लैश जो कि मांस वगैरह खाते हैं ना, उन उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, नेम द किंग काइंड, नेम द काइंड्स ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काउ टू च्यू द ग्रास। मतलब हमें हमें उस तरीके कितने प्रकार के टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं काऊ को ग्रास को च्यू करने के लिए, खाने के लिए। तो कौन से होते हैं, एक तो उसके ब्रॉड टीथ, ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ, कौन कौन से होते हैं, ब्रॉड BROAD, ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। ठीक है, ग्रूव्ड टीथ मतलब मोलर, समझ में आ गया, तो यहाँ पे भी आपका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम टू एनिमल विच गना देयर फूड। तो कौन कौन से हैं जो कुतर कुतर के खाते हैं अपने खाने को, एक तो रैबिट है, आपने रैबिट को देखा होगा, आप कुछ दोगे ना उसको तो ऐसे कुतर के खाना शुरू कर देगा। तो ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि गना देयर फूड। एक स्क्वेरल को आप देखिएगा कभी, ठीक है, वो भी इस तरीके से खाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्वेरल्स हैव। तो नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्वेरल हैव, नेम टू मोर एनिमल हैविंग द सेम टाइप ऑफ टीथ। तो क्या है, शार्प फ्रंट चीजल लाइक टीथ एनिमल लाइक रैबिट एंड रैट आल्सो हैव सेम टाइप ऑफ टीथ। जो रैबिट और रैट हैं वो भी इसी तरीके के टीथ रखते हैं जैसे कि आपके स्क्वेरल रखती है। ठीक है, स्क्वेरल के भी ऐसे ही होते हैं और रैबिट के और रैट के भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में क्या है, पार्ट ई। तो पार्ट ई करते हैं हम, पार्ट ई में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो क्या है आपके हर्बीवोरस और ये इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल जो कि आपके वेजिटेरियन टाइप के होते हैं, ओमनीवोरस जो कि सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वही आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो कि आपके हिरण हो गया, डियर, ठीक है, काओ हो गई, तो ये सभी क्या, हर्बीवोरस एनिमल। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि प्लांट्स को भी खा लेते हैं और मतलब एनिमल्स को भी खा जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जैसे कि आपका बेयर हो गया, BER, और रैट भी हो सकता है। ठीक है, रैट का एग्जांपल दिया था 2 मिनट पहले, तो ये दोनों आपके क्या हो गया, ओमनीवोरस। ठीक है, अच्छा, आपका कुआ भी हो गया, ये भी आपकी दोनों तरीके की चीज़ें खा लेता है। ठीक है, क्लियर, वो रोटी भी खा लेगा और कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा होगा तो उसको भी खा लेगा, तो वो भी ओमनीवोरस है। क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ लिजार्ड टेक इट्स फूड। जो लिजार्ड है वो अपने अब जो छिपकली होती है वो किस तरीके से अपना खाना लेती है। अ लिजार्ड कैचेस देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टकी टंग। उसकी जो टंग होती है, उसकी जो जीभ होती है, काफ़ी चिपचिपी होती है, स्टकी होती है, इस वजह से क्या करती है, वो उसको कैच कर लेती है अपने शिकार को। प्रे मतलब शिकार, अपने शिकार को क्या कर लेती है, वो कैच कर लेती है, किसके थ्रू, स्टिकी टंग के थ्रू। समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म च्यूइंग द कर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आता है, तो एक्सप्लेन करना है किस तरीके से च्यूइंग द कर्ड। तो सम एनिमल लाइक काओ बफलो एंड कैमल फर्स्ट निबल देयर फूड। सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो काओ बफलो और ये कैमल होते हैं, सबसे पहले ये निगल लेते हैं अपने फूड को, निबल देयर फूड एंड पुट इट इनसाइड देयर बॉडी, और अपनी बॉडी के अंदर उसको इकट्ठा कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, When they relax, जब वो बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं सांस में, तो दे ब्रिंग बैक, वो वापस लेके आते हैं उस खाने को, वो गोले से जो बने होते हैं ना, गोले को बाहर एक एक करके लेके आते हैं ऊपर की तरफ, पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इन साइड टू देयर माउथ। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इन साइड, तो अंदर से लेके आते हैं और अपने मुँह में लेके आते हैं, देन दे च्यू इट्स प्रॉपरली, और आराम से बैठ के उसको च्यू करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, इसको क्या बोला जाता है, च्यूइंग द कर्ड। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, राइट एनी टू वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो हमें दो राइट एनी टू वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग
केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो क्या है, टू वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। सबसे पहला क्या है, वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन, ड्राई एंड एयरी। हमें जो उनका जो शेल्टर है जिसमें वो रहते हैं, उनका आश्रय जो भी है, उसको क्लीन, ड्राई और बिल्कुल हवादार होना चाहिए, एयरी मतलब उसमें से हवा आर पार होती है, मतलब निकल सके आराम से, ठीक है। वी शुड गिव दैम लव एंड केयर, हमें उनको क्या करना चाहिए, लव और केयर की उनको देना चाहिए। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन फिफ्थ में भी लास्ट है ये, हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड। जो बटरफ्लाई और मॉस्किटो है किस तरीके से अपना खाना खाते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब, तो इनकी लॉन्ग होलो ट्यूब होती है इस तरीके से, ये दिख रही है, ये इस तरीके से एक छोटी सी इस तरीके से बटरफ्लाई बनी रहती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग होलो ट्यूब होती है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प दैम टू सक देयर फूड, जो कि हेल्प करती है खाने को शक करने में, ठीक है, सक वो मतलब चूसने में। समझ में आ गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गुड नाइस को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई और चैप्टर आपको पढ़ना है या फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, वैसे तो मैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड कर दूंगी, पर मतलब ए स्टेप बाय स्टेप, अभी सिर्फ मैं साइंस के ही कर रही हूँ, उसके बाद मैं SST के करूँगी, फिर इंग्लिश के करूँगी, सभी के क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी आप इस चैनल पर कंटिन्यू रहिए, मैं इस चैनल को कंटिन्यू इसको मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया है, पहले भी मैंने इसमें डाल रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप इस पर जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, गुड बाय।